और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो बीच में जो किसी अजीत कुमार का नाम बताया जा रहा है कि जो कि एक दलाली के तौर पर काम करने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी बार में और मैनवार गांव जैसे कि चर्चा में जो कोटेदार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, कार जो कि सोनू तामकार बताए जा रहे हैं कि उनको धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। और ये भी बात सामने आई है कि राशन जो है कोटेदार है वो अपनी घटतौली लगातार कर रहे हैं। लाल यानी 35 किलो आपको पूरा गेहूं चावल सब मिलता है? 35 किलो मिला। कम तो नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकारी के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ठिकाने लगाने की भी धमकी दी गई है। तो ये हकीकत पता करने के लिए आज हम गांव में पहुंचे हैं और उसी हकीकत है, और साथ ही यहाँ के जो उचित दर राशन के विक्रेता हैं, जो सरकारी सस्ते राशन की दुकान यहाँ के जो संचालक हैं, उनके से भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की हकीकत है। कोटेदार साहब है? नहीं है। नहीं। तो ये एक बात सामने आई है कि उनको धमकी दी गई है कि यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे तो धमकी दी गई है, तो क्या है कुछ मामला है पूरा? वो पैसे मांग रहे थे साहब, विज्ञापन के लिए पैसे मांग रहे थे। जी हाँ, 5 लाख पैसे मांग रहे थे, जो पास अभी थे नहीं तो तुम मना करने पर उन लोगों ने धमकी दी वो और कार्रवाई भी की। ये झूठ मार का है सब मामला। हाँ। इनके पीछे जाए पड़े हैं लोग, कुछ नहीं है, ये फ्री में कोटा देते हैं, हर प्रकार से देते हैं, पूछती कहते हैं गांव की हुआ क्या दे लोगों को, और जो परेशान कर रहे हैं वो भी करना छोड़ दे। तो हम यहाँ पे फिर से हम इनसे दोबारा जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हकीकत। अच्छा, जो मांग रहे थे कि हमें 5,000 रुपया दो, हर वे आए थे जो पत्रकार, वे बोल रहे थे हमें 5,000 रुपया दो, हर जगह से हम 5,000 रुपये लेते हैं, तो सर कहाँ से दे दें? फ्री कोटा बढ़ता है, पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने हमारे साथ साथ में साथ दुश्मनी भी वो दिखाई नहीं। हाँ। है जो मतलब जो सही ब्लॉग बताए जो गलत ब्लॉग वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार आपको क्यों बुला रहे थे, मतलब कोटेदार साहब को क्यों बार वो पैसे मांग रहे हैं सर? वो बोले पैसे दो 5,000, तब हम आपसे मतलब कुछ कहेंगे आपके आपके लक्ष्य में, अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपके लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। और क्या नाम है आपका? गणेश। आप तौल रहे थे? हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन? आप एक पैसा लेते नहीं है, फ्री को कोटा चल रहा था, सर पत्रकार आए थे 5,000 रुपया मांग रहे थे। हाँ। तो आपने ये कहते हुए सुना आपने? हाँ। मामला ये है कि एक जो हमारे पास मोबाइल नंबर है, जो माने जो मोबाइल पे हमें चर्चा हुई जो अजीत सिंह के नाम से हुई है, और फिर बोले कि हमारे महेंद्र सिंह पथाई वाले हमारे मित्र हैं और दीपू राजा सोजना वाले हमारे मित्र हैं, और इसलिए हम आपके यहाँ चले आए हैं। और सोनू तामकार जो थे, हमने उनसे कहा कि भाई अभी फ्री वितरण हो रहा है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है और विज्ञापन के लिए आपके लिए पैसा चाहिए, तो हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो हम तुमको दे देंगे। और यदि जी बात यकीन नहीं है तो इनसे इनका जो नंबर मेरे पास है अजीत सिंह के नाम से ठाकुर का, तो इनकी कॉल फिर डिटेल निकाल लीजिए कि मैंने इनने कितनी बार हमसे टॉर्चर किया। और जो धमकी वाली बात है तो इन्होंने बेरवे कहा कि हम आज जिला पूर्ति अधिकारी जा रहे हैं, आज हम इंस्पेक्टर सोनू से है, और यदि किसी को लग रहा है कि फिर हमें अशब्द बोल गए हैं तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना कर चाहते हैं। तो आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका, और आज हम पहुंचे हैं ललितपुर जिले के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत आने वाले गांव मैनवार में, और मैनवार गांव जैसे कि चर्चा में जो कोटेदार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और लगातार यह भी बात सामने आ रही है कि घटतौली जैसी बातें भी सामने आई हैं, और एक पत्रकार जो कि सोनू तामकार बताए जा रहे हैं कि उनको धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। और यह भी बात सामने आई है कि राशन जो है कोटेदार है वो अपनी घटतौली लगातार कर रहे हैं और लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये क्या कुछ हकीकत है, ये आज हम यहाँ पे जमीनी हकीकत हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ की जमीनी हकीकत है और क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ यहाँ के जो कोटेदार है उनका कहना है, ये हम उनकी जुबानी जानेंगे। और आज हम यहाँ पे भी इस समय मैनवार में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, और इनमें से हो सकता है कि कुछ कार्ड धारक भी होंगे, तो हम इनसे खुद वास्तविकता हम जानेंगे कि आखिर यहाँ की वास्तविकता क्या है। भैया क्या नाम है आपका? सुखपाल। राशन कार्ड है आपका? हाँ है। आप कौन सा राशन कार्ड है, सफ़ेद है? लाल है। लाल है। लाल यानी 35 किलो आपको पूरा गेहूँ चावल सब मिलता है? 35 किलो मिला। कम तो नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया आपका है राशन कार्ड? हाँ, हमारे बड़े भाई का है जी। तो राशन मिलता है उनको? हाँ, मिलता। कोई है? कम नहीं, नहीं कम ज्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिलता है। तो कम ज्यादा नहीं मिलता है। आपका है राशन कार्ड? नहीं है। आपका है भैया राशन कार्ड? नहीं है। आपका भैया राशन कार्ड है?
क्या नाम है आपका? विजयराम। कौन सा राशन कार्ड है, अंत्योदय पात्रग्रस्त? सफेद वाव है। सफेद। कितने लोग जुड़े हैं? उसमें जुड़े हमारे 8 हजार हैं। 8 लोग, तो कितना मिलता है आपको? मिला थे जो एक यूनिट को 8 लोग जुड़े हैं, तो अगर 4 लोगों पे मिलता है आपको 20 किलो मिलता होगा क्या चावल? 20 किलो मतलब 20, और उसके 8 लोग हैं तो आपको 40 करोड़ मिलना चाहिए, तो मिलता है पूरा? आओ, पूरा मिला। पूरा कम आम तो नहीं आता? नहीं, कम नहीं। तो अच्छा, एक बात यहाँ पे प्रकाशित हो रही है आपके गांव से कि कुछ घटतौली कोटेदार कर रहे हैं, तो क्या कुछ मामला यहाँ? वो घाटा मटा नहीं दिए, सही दे दी, तो सही देते हैं, पूरा देते हैं। तो फिर ये ऐसी क्यों बात सामने आ रही है कम देने का काम कर रहे हैं? दादा, आपका है राशन कार्ड? जी, क्या नाम है आपका? हरिराम मुन्नी भाई। तो कौन सा राशन कार्ड है, अंत्योदय है पात्र? अंत्योदय है। अंत्योदय लाल राशन कार्ड है। तो 35 किलो पूरा मिलता है, कम हम तो नहीं मिलता आपका दादा? पूरा मिलता है राशन? हाँ, पूरा। पर ऐसा क्यों बात है, मामला सामने क्यों आ रहा है कि कोटेदार कम देने का काम कर रहे राशन? हम तो पूरा ले जाते, पूरा मिलता है। हाँ। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह भी एक बात सामने आ रही है, जैसे कि बताया गया था कि यहाँ पे कोटेदार जो है राशन कम देने का काम कर रहे हैं, और साथ ही जब यहाँ पे एक पत्रकार सोनू तामकार नाम का व्यक्ति यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया, तो यह भी उन्होंने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम और जिला अधिकारी के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ठिकाने लगाने की भी धमकी दी गई है। तो ये हकीकत पता करने के लिए आज हम गांव में पहुंचे हैं, और उसी गांव में हम पहुंचे हैं, और इनकी हम लोगों की खुद जुबानी जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ की हकीकत है, और साथ ही यहाँ के जो उचित दर राशन के विक्रेता हैं, जो सरकारी सस्ते राशन की दुकान यहाँ के जो संचालक हैं, उनके से भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की हकीकत है, क्या कुछ मामला है, और जो ज्ञापन दिया गया है कि जैसे कि कितनी इसमें सच्चाई है, तो ये हम स्वयं हम यहाँ पे जानेंगे। और अभी हम इस समय जहाँ जो राशन कार्ड जो यहाँ पे राशन मिलता है, उस स्थान पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और हम कोटेदार की भी जुबानी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ यहाँ पे कहना है। तो कोटेदार साहब है? नहीं है? नहीं है। तो कहाँ गए आज? मालूम नहीं सर, सुबह निकल गए थे। अच्छा, ये एक बात सामने आई है कि उनको धमकी दी गई है कि यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे, तो धमकी दी गई है, तो क्या है कुछ मामला है पूरा? वो पैसे मांग रहे थे साहब, विज्ञापन के लिए पैसे मांग रहे थे? जी जी हाँ, 5 लाख पैसे मांग रहे थे, जो पास अभी थे नहीं, तुम मना करने पा उन लोगों ने धमकी दी वो, और कार्रवाई भी की। आपके पास इसका कुछ कोई सबूत है? इसका सबूत उसका सबूत हाँ है। क्या? इसका सबूत ये है, हमारी सिस्टर भी हमारे पास में थी, वो मतलब एक भैया थे, मतलब कोई वीडियो ऑडियो कुछ है आपके पास? वीडियो हाँ है। वीडियो है? हाँ है। ठीक है, तो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से इनसे मांग की गई, और किस तरह से किनका कौन किनका शोषण कर रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो इसके लिए आपने कार तो उसने जो आपकी जो लगातार ज्ञापन दिया गया है, तो आपने इसके लिए फिर आप लोगों ने नहीं प्रशासन से कार्रवाई की मांग की कि हमारे साथ भी ये गलत हो रहा है? की है साहब, हमने की है कि साहब पूरा मिलता है कोटा, जिसको देते हैं अच्छा ही बांटते हैं, लेकिन गांव के विरोध बुराई करने के आपने कोई जाति सूचक शब्दों का, नहीं उनके जो समाज को लेके कोई ऐसे शब्द का कोई प्रयोग किया? नहीं तो नहीं किया। नहीं तो ऐसी कोई बात आई तो फिर नहीं की, नहीं कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो देखिए, हम आपको ये भी उनकी जो जो कोटेदार है उनकी पत्नी यहाँ पे इस समय मौजूद है, और जो उनकी बच्ची है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये साफ तौर पे इनका कहना है कि इनने किसी भी समाज के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहा है, किसी तरह की कोई धमकी भी नहीं दी गई है। तो अगर तो आपका क्या मानना है कि इसमें पत्रकार के व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं लेन देन को लेकर? जी हाँ, दुश्मनी कर रहे हैं सब, हमारे बच्चियों के साथ में दुश्मनी चल रही है। कोई गांव का पीछे लग गया, मतलब कोई और दुश्मन हो गया, पता नहीं पीछे इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन हाथ किसी का है जिसका भी हाथ हो। तो देखिए, इनका ये कहना है कि इनने किसी भी समाज को लेके किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहा, साथ ही यह भी और साथ ही किसी विशेष तौर पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उनको एक व्यक्तिगत तौर पर उनको जो है प्रताड़ित करने की भी बात यहाँ पे सामने आ रही, जैसा कि इनके जो परिजन है उनका कहना है। जी, क्या नाम है आपका? ऐसा है कि ये झूठ मार का है सब मामला। हाँ। इनके पीछे जा ही पड़े हैं लोग, वो कुछ नहीं है, ये फ्री में कोटा देते हैं, हर प्रकार से देते हैं, पूछ दी कहते हैं गाँव की हुआ क्या।
तो देखिए, हम ये भी हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चूंकि ये जो मामला है, एक ये मामला ये किसी समाज को लेकर ये मामला नहीं है, ये अगर देखा जाए यहाँ की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से देखा जाए, उनके परिजनों की दृष्टि से भी देखा जाए, तो ये एक व्यक्तिगत तौर पे ये मामला लग रहा है। चूंकि ये जैसा कि इन्होंने बताया कि रुपये नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दे पाए, तो इसलिए हम पे आरोप लगने लगे, घटतौली के भी आरोप लगने लगे। चूंकि एक पत्रकार का एक काम केवल ये होता है कि हमारी खबर जो होती है, सामने वाले का कहना, उन्होंने अपनी समस्या को बताई, और सामने वाले जिन पे आरोप लगाए गए उनने अपनी बात रखी, बाकी खबर को प्रकाशित करना। अगर बात आती है फोन की, बार बार फोन लगाने का, तो अगर जो जो पत्रकार सोनू तामकार हैं, तो उनसे कोटेदार से सीधा मिले, तो उनकी बाइड उस समय क्यों नहीं उनके बयान ली, और उन समय क्यों नहीं उनका जो वीडियो उनका बनाया, और क्यों नहीं उन्हें अपनी खबर को प्रकाशित किया। अगर ऐसी कोई बात है तो साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि ये हो ना हो, एक व्यक्तिगत तौर पर ये दुश्मनी निभाई जा रही है। क्योंकि ऐसे मामले कई देखने को मिलते हैं कि जो है ऐसे शोषण किया जाता है, कई मामले उजागर होते हैं कि उनकी मांग नहीं कर पाते हैं, या कई तमाम बातें होती हैं, तो उसको लेके ये व्यक्तिगत तौर पे ये एक पत्रकार का जो बाकी अपने जो समाज को लेकर ये सब ऐसी बातें ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के कार्ड धारक हैं, वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो दादा, आपका क्या कहेंगे आप, ये किस कैसी दृष्टि से देखा जाए? बुराई की मामले से बता रहे जी, तो बुराई की से कर रहे हैं, कुछ दे नहीं पाओ, या पैसा वैसे की वजह से हुआ पत्रकार, 5,000 रुपया मांगे ये नहीं हुई तो नहीं कह दी। तो देखिए, ये मामले सामने आ रहे हैं कि ये एक व्यक्तिगत रंजिशन ये निभाई जा रही है, लेकिन एक पत्रकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बाकी शर्मसार करने वाली बात है। चूंकि एक बार देखना चाहिए, और चूंकि जो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, पत्रकार का जो काम होता है, उनको केवल अपना काम करना चाहिए, जो कि जो उनका काम है केवल वहीं तक उनको करना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर किसी को बार बार आप फोन लगा रहे, मिलने के लिए आप बुला रहे, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल गलत है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो बीच में जो किसी अजीत कुमार का नाम बताया जा रहा है, कि जो कि एक दलाली के तौर पर काम करने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसे जो काम कर रहे हैं इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि जो जिस तरह से ये बढ़ावा दे रहे हैं, और इनको बार बार फोन लगा के उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर भी यहाँ पर रोक लगना चाहिए, ऐसा कार्य करने पर रोक लगना चाहिए। तो दादा, आपका क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये जो बात सामने आ रही है, क्या सही है क्या गलत है? अपनों तो अंतोदय बनो, गरीब की खबाओ, तो हमें तो फल मिल लो, मतलब जो अपन को जैसे बटत है फ्री, तो हमें सब पूरा सब फल दे रहे, बस कम हम तो नहीं मिलता, नहीं मिला। तो हम उनको पहले बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे आए थे, उनसे कहना चाहेंगे सोनू तामकार से, और जो उनके छर्रे आए थे, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि जो उनके जो सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कार्य करना बंद कर दें, और जो जो सही है वो दिखाएं, जो वास्तविकता है वो दिखाएं, जो हकीकत है वो दिखाएं, और मौके पर पहुंचे, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी सामने लाकर वो बात रखे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना। ये बार बार प्रताड़ित करना छोड़ दें लोगों को, और जो परेशान कर रहे हैं वो भी करना छोड़ दें। तो हम यहाँ पर फिर से इनसे दोबारा जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हकीकत। अच्छा, जो महिला आई थी, महिला की जो वीडियो बनाई गई थी, आपको शायद जानकर होगी, क्या आप उनको जानती हैं? जी। कौन है महिला? वो सोनू है। तो वो सही कह रही थी गलत कह रही थी? गलत कह रही साहब। तो कैसे, मतलब कि वो कह रही थी कि हमारे हर महीने पैसे लेते हैं, कम तौल देते हैं, तो वो गलत बोल रही थी साहब, ये तो होता नहीं है कभी। और वे मांग रहे थे कि हमें 5,000 रुपया दो, हर कोई वे आए थे जो पत्रकार, वे बोल रहे थे हमें 5,000 रुपया दो, हर जगह से हम 5,000 रुपये लेते हैं, तो सर कहाँ से दे दें, फ्री कोटा बढ़ता है, पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने हमारे साथ में साथ दुश्मनी भंजा दी। वो दिखाई नहीं है, जो 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 मतलब जो सही ब्लॉग बताएं, जो गलत ब्लॉग वो प्रदर्शन कर दिया। उस दिन जिस दिन ये सोनू तामकार आए थे, उस दिन क्या कोटेदार साहब मिल पाए थे? उस दिन पापा जी हाँ थे जी, तो वो वीडियो नहीं बनाई थी क्या? नहीं नहीं वो नहीं बनाई, नहीं बनाई साहब, कुछ नहीं बनाई, वो तो कुछ दिखाया भी नहीं है, जो मतलब गलत किया वो बोला, जो सही किया वो दिखाया नहीं है, उन लोगों ने कुछ गलत बोला। 5,000 मांगे थी साहब, 5,000 नहीं दे पाए, इसलिए उनने विज्ञापन के लिए नहीं दे पाए पैसे, इसलिए उनने निकाल वीडियो गलत बनाई, वीडियो सही नहीं बनाई, जो जो मतलब सही था। पिताजी की बनाई थी आपकी, मतलब कोटेदार साहब? हाँ हाँ, पिताजी की बनाई थी। तो वो उन्हें चलाई नहीं चलाई? वो शायद हाँ चलाई थी, चलाई जी हाँ। और सर 5,000 मांग रहे थे पैसे, और बोल रहे थे नहीं देंगे तो हम आपका कोटा निरस्त करवा देंगे। बार बार आपको क्यों बुला रहे थे, मतलब कोटेदार साहब को क्यों बार बार? वो पैसे मांग रहे हैं सर,
वो बोले पैसे दो 5,000 तब हमें तब हम आपसे मतलब कुछ कहेंगे आपके आपके लक्ष्य में। अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपके लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और हम कभी शांत नहीं होंगे। तो देखिए ये इनका ये इनकी जुबानी इनका कहना है। जी आप थे, क्या नाम है आपका? गणेश। आप तौल रहे थे? हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन? आप एक पैसा लेते नहीं है, फ्री को कोटा चल रहा था। सर पद का आए थे, 5,000 रुपया मांग रहे थे। तो आपने ये कहते हुए सुना आपने? हाँ, उन्हीं के काम में लगे हम रात। तो क्या कहा कोटेदार साहब ने? कोटेदार ने कहीं नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, चले गए चुपचाप कर रहे। जब यहाँ से जाने के बाद फिर क्या कहा गया आपको? तो कोई जानकारी होगी? हाँ सब फोन से बात की थी, कॉल पे धमकी दी उन्होंने। जी पैसे आपका पैसे नहीं दे तो कोटा को निरस्त करा देंगे। निरस्त बार बार यही बात बार बार दोहरा रही थी, बार बार यही बात बोल रही थी। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका कहना है। जो अभी कोटेदार साहब तो हमें नहीं मिल पाए हैं, और अगर कोशिश करेंगे कि वो भी हमें मुलाकात हो हमारी उनसे, और उनसे की भी हम बात सुने और उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जाने। तो देखिए अब हम यहाँ पे कोटेदार साहब के पास पहुँच चुके हैं, जो कि अभी आ चुके हैं। और अभी हमने जैसा कि बताया कि अभी कोटेदार साहब नहीं मिले थे, अब हमें यहाँ पे मिल चुके हैं कोटेदार साहब। तो अब हम इनसे खुद जानेंगे कि आखिर इन्हें धमकी क्यों दी और क्या वास्तविकता है, ये आज हम इन्हीं से खुद जानेंगे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा शिव सिंह मंदिला नाम है जी। तो जो जैसा कि सोनू तामकार ने बताया कि आपने धमकी दी है, जान से मार ठिकाने लगाने की भी धमकी दी है, 15 एकड़ जमीन बेचने की भी धमकी दी है, क्या है पूरा मामला? ये है कि एक जो हमारे पास मोबाइल नंबर है, जो माने जो मोबाइल पे हमें चर्चा हुई जो अजीत सिंह के नाम से हुई है, और फिर बोले कि हमारे महेंद्र सिंह पथाई वाले हमारे मित्र हैं और दीपू राजा सोना वाले हमारे मित्र हैं, और इसलिए हम आपके यहाँ चले आए हैं। और सोनू तामकार जो थे माने जो लोग 3-4 मोटरसाइकिल से आए, तो इन्होंने हमारी वीडियो बनाने लगे और इस और फिर गए अंदर। तो हमारा जो तोलने वाला है उससे बोले कि हमको 10-15,000 रुपये की व्यवस्था करो और नंतम तुम्हारी खराबी करेंगे। हमने उनसे कहा कि भाई अभी फ्री वितरण हो रहा है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है और विज्ञापन के लिए आपके लिए पैसा चाहिए, तो हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो हम तुमको दे देंगे। और यदि ये बात यकीन नहीं है तो इनसे इनका जो नंबर मेरे पास है अजीत सिंह के नाम से ठाकुर का, तो इनकी कॉल फिर डिटेल निकाल लीजिए कि मैंने इनने कितनी बार हमसे टॉर्चर किया। और जो धमकी वाली बात है तो इन्होंने बेरवे कहा कि हम आज जिला पूर्ति अधिकारी ने जा रहे हैं, आज हम इंस्पेक्टर ने जा रहे हैं, आज हम DM ने जा रहे हैं। आपने उनसे ये कहा नहीं कि आपका जो काम था, आपका हमारा काम था, आपने पहले कार्ड धारकों की वीडियो बनाई वो ठीक है, हमारी भी बना ली ठीक है, अब जाके आप अधिकारी की अब लीजिए? तो आपने ये नहीं कहा कि अब आप हमसे हमें फ़ोन लगाने का क्या मतलब? माने इतना पे हमें वो अनुभव नहीं था। तो जी फिर इन्होंने 15 दिन तक हमको टॉर्चर किया, वो कम से कम 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर से 7-8 दिसंबर तक हमारी इनकी कई बार जनवरी 7-8 जनवरी हाँ माने इनसे बातचीत होती रही। और फिर जब बोले कि अब कुछ नहीं, सोनू ताम का कह रहे हैं कि उसकी तो हमको दुकान नस्ती कराना है। सो हमने उनसे कहा कि हम इलाहाबाद चले जाएंगे, ये उनके वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके, तो जो उसमें होगा हमने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया उतरे, हमारी यहाँ पर 50 दुकानें चल रही स्टेज हैं और ज़्यादा हम 15 एकड़ जमीन दाव पर लगा देंगे, लेकिन तुम माने हमारी दुकान नष्ट नहीं करा पाओगे। जी भाई माने सच्चाई कहानी ये है। जैसे कि एक समाज OBC समाज द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है कि आपने तामकार को लेके और बाकी समाज को लेके आपने धमकियाँ आती हैं, तो क्या मामला है? हमारा तो व्यक्तिगत मामला सोनू से है, और यदि किसी को लग रहा है कि फिर हमें अशब्द बोल गए हैं तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना कर चाहते थे। तो आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? नहीं हमने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल तो नहीं। सोनू आपसे व्यक्तिगत और आप सोनू से व्यक्तिगत क्यों रख रहे हैं? रंजस मानते हैं। रुपया कौन मान रहे? आप रंजस मान रहे कि सोनू? नहीं सोनू मान रहे हमसे व्यक्तिगत रंजस। अच्छा, कौन कह रहा था आपके पास बार-बार? अजीत सिंह नाम से है और उसका हमारे पास नंबर भी है, हम आपको बता दिए अभी मोबाइल। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है
कि इनने किसी भी व्यक्तिगत तौर पे और जैसे कि किसी भी समाज को लेके इनने कुछ नहीं कहा है। केवल जो जैसा कि सोनू ने इनको जवाब दिया, इनने सोनू को बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है। लेकिन किसी अगर समाज की अगर बात करें तो इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनने ऐसा किसी भी समाज के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसा उनको कुछ लग रहा है तो ये उसके लिए भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे, लेकिन उनने फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो सोनू ताम्रकार है वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी रंजिश ले रहे हैं, और जो उनको रुपए देने की भी बात सामने आ रही कि रुपए नहीं दे पाए, तो उसको लेकर वो बौखलाए हुए हैं और लगातार इनको कोटेदार साहब को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही उनके परिजनों को भी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो और भी जगह ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।